नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचना। आई नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। बेशक वर्ष 2001 से पहले तक मध्य प्रदेश में महिला पुरुष का अनुपात प्रतिकूल रहा हो, लेकिन उसके बाद से लगातार हालात बदले। वर्ष 2001 में यहां पुरुषों पर प्रति हजार की तुलना में 919 महिलाएं थी, लेकिन वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 930 हो गई। सिर्फ जनगणना में नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का वर्चस्व बढ़ा है। राजनीति, सिनेमा, बिजनेस हो या खेल, सभी में महिलाओं ने अपनी ताकत दिखाई है। इंदौर में कभी दूसरों के घर में झाड़ू पोछा लगाकर गुजारा करने वाली युवतियां अब ड्राइवर के रूप में लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही हैं। ये फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलती हैं और जूडो कराटे भी जानती हैं। महिला दिवस पर पढ़िए कैसे बदली इनकी जिंदगी। ग्वालियर में सोमवार की शाम अचानक आसमान में काले बादल घिराए और कई इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरने लगे। बेमौसम बारिश के कारण खेतों में पक रही रबी फसल को नुकसान होने की आशंका है। रतलाम शहर में प्रवेश के मार्गों को फोर लेन करने के साथ अब आंतरिक मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने में भी कई निर्माण हटाए जाएंगे। इसमें से अधिकांश निर्माण शासकीय भूमि में अतिक्रमण के रूप में चिन्हित किए गए हैं। नगर निगम ने महू रोड फव्वारा चौक से अंबेडकर प्रतिमा तक फोर लेन और पैलेस रोड से निगम तिराहे तक मार्ग चौड़ीकरण को लेकर टेंडर जारी कर दिए हैं। इंदौर में एक विज्ञापन कंपनी के मालिक के आदेश के बाद इंडस्ट्री हाउस के पास चार मजदूर होर्डिंग निकाल रहे थे। होर्डिंग का एक हिस्सा टूटकर हाई टेंशन लाइन पर गिर गया। मजदूर ने उसे निकालने का प्रयास किया तो जोरदार करंट लगा और वो झटके से नीचे गिर पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई। अन्य तीन मजदूरों ने भी करंट महसूस किया। इधर नगर निगम ने असुरक्षा को देखते हुए पुलिस से होर्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज की मांग की है। उज्जैन महाकुंभ सिंहस्थ में देश भर से आने वाले खास मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी ना रहे, इस उद्देश्य से शहर के 27 महिला संगठन मंगलवार को एक जाजम पर जुटे। सभी पहली बार गाजी बाजे के साथ पेशवाई निकालेंगे और ग्रीन सिंहस्थ अतिथि देवो भवा का संदेश लोगों को देंगे। आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में संस्था योगानंदनम योग और नारी शक्तिपीठ के बैनर तले होगा। बिना वीजा के भोपाल केंद्रीय जेल में 3 महीने से सजा काट रही उज्बेकिस्तान की महिला कैदी ने रविवार को सुल्तानी अस्पताल में एक लड़की को जन्म दिया। मिसरोद टीआई कुंवर सिंह मुकाती के अनुसार 9 दिसंबर 2015 में उज्बेकिस्तान नागरिक वार्नो नाम की एक महिला को बिना वीजा के देश में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण बुधवार को है। पंचग्रही योग में यह सूर्य ग्रहण 320 साल बाद आ रहा है। खगोलीय घटना का ये दुर्लभ नजारा 49 मिनट का रहेगा, लेकिन भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में 12 मिनट ही दिखाई देगा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर कुंभ राशि पर पंचग्रही योग बना है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार उज्जैन सिंहस्थ 2016 से पहले पंचग्रही योग में सूर्य ग्रहण शुभ फलदायी नहीं है, इसके कारण जीवन उपयोगी वस्तुएं महंगी होगी। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर व ग्वालियर तो ऐसे शहर हैं ही जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे ज्यादा मामले हैं, पर अब ऐसे 3 छोटे शहर भी इसमें जुड़ गए हैं जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। यह है उज्जैन, देवास और धार। ये खुलासा हुआ है 2015 में मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ घटित हुए अपराधों के आंकड़ों से। तीनों शहर ऐसे हैं जहां हर दिन अपहरण, बलात्कार, मारपीट के करीब 5 मामले तो सामने आ ही रहे हैं। वहीं यदि बात वर्ष 2015 में मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हुए कुल अपराधों की बात करें तो यह आंकड़ा 54,623 तक पहुंच गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ, और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर emstv की ऐप